ओके एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द पार्ट वन है 3x² - 10x + 3 = 0 सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे क्वेश्चन को रीराइट कर लेंगे कंपेयर करते हैं गिवन इक्वेशन को विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंपेयर 3x² - 10x + 3 = 0 विथ ax² + bx + c = 0 हेयर a = 3, b = -10 and c = 3 नाउ क्वेश्चन में है कि डिटरमिन द नेचर ऑफ रूट्स तो नेचर ऑफ रूट्स डिटरमिन करने के लिए हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है b² - 4ac वैल्यूज पुट करें b क्या है -10 b² तो -10 स्क्वायर -4 a क्या है 3 और c भी 3 माइनस का स्क्वायर लिया तो +10 का स्क्वायर 100 -4 3 = 12 and 12 3 = 36 100 - 36 क्या आ गया 64 को हम क्या लिख सकते हैं 8 होल स्क्वायर ठीक है ना तो ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है ना 8 होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है 64 के तो एज डिस्क्रिमिनेंट ठीक है एज डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर So, the roots are real, unequal and rational. Rational इसलिए कि perfect square है ठीक है अब आगे question में कहते हैं verify the result by solving them. तो अब हम क्या करेंगे verification की heading देते हैं verification की heading देते हैं और given equation को solve करते हैं ठीक है आप हेडिंग देंगे वेरिफिकेशन की अब वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं कि जो गिवन इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे गिवन इक्वेशन आपके पास है 3x² - 10x + 3 = 0 आप चेक करें कि ये इक्वेशन सॉल्व हो सकती है बाय फैक्टराइजेशन अगर फैक्टराइजेशन से नहीं होती फिर आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी कर सकते हैं तो देखें 3 3 = 9 तो 9 हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्रोडक्ट उनका 9 हो और सम उनका -10 हो तो अगर हम 9 1 9 करें देखें 3x² - 9x - x + 3 = 0 हम ये जो मिडल वाली टर्म है इसको ब्रेक कर लेते हैं टू फैक्टर्स में कि उसका सम -10x आ जाए और प्रोडक्ट क्या आ जाए 3 3 = 9 तो आप देखें -9x - x = -10x और जब -9 और -x मल्टीप्लाई होंगे तो +9x² ठीक अब आपके पास 4 टर्म बन गई तो ग्रुपिंग कर लें ये फर्स्ट ग्रुप ये सेकंड ग्रुप यहाँ से क्या कॉमन आप लेंगे 3x तो क्या आ जाएगा x - 3 यहाँ से -1 तो x - 3 अगेन देखें आपके पास x - 3 दोनों में कॉमन है तो x - 3 कॉमन फैक्टर आ गया यहाँ से आपके पास 3x यहाँ से -1 = 0 नाउ बाय जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी आइदर x - 3 = 0 और 3x - 1 = 0 यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एड +3 टू बोथ साइड ये कैंसल हो गए दिस इम्प्लाई दैट x = 3 इसको सॉल्व कर ले तो एड +1 टू बोथ साइड तो ये आपके पास 3x = 1 हमें तो x की वैल्यू चाहिए डिवाइड बोथ साइड बाय 3 नाउ दिस इम्प्लाई दैट x = 1/3 आपके पास x की दो वैल्यूज आ गए 3 and 1/3 तो ये दो रूट्स आ गए सो द रूट्स आर सो द रूट्स आर 3 and 1/3 विच आर अब आप देख लें चेक करें इसको विच आर रियल रियल हैं अनइक्वल हैं अनइक्वल एंड रैशनल ठीक हैंस द रिजल्ट इज वेरीफाइड